इस बार के लोकसभा चुनाव में कई बड़े नाम हारे तो कई आम आदमी जीत कर संसद तक पहुंचे हैं। इन सबके बीच दो नाम ऐसे हैं जो आतंकवाद के आरोप में जेल में बंद हैं और लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर सांसद बन गए हैं। ये दो नाम हैं इंजीनियर राशिद और अमृतपाल सिंह। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। पहले बात करते हैं अब्दुल राशिद की, जिन्हें इंजीनियर राशिद के नाम से जाना जाता है। राशिद पहले कंस्ट्रक्शन इंजीनियर थे। उन्होंने 2008 में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। वो सिर्फ 17 दिनों के कैंपेन के बाद कश्मीर के कुपवाड़ा जिले की लंगेट सीट से विधायक चुन लिए गए थे। 2008 के बाद 2014 में भी बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीते थे। साल 2005 में एसओजी ने आतंकवादियों का समर्थन करने के आरोप में इंजीनियर राशिद को गिरफ्तार किया था। राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों के आरोप में उन्हें 3 महीने 17 दिन जेल में बिताने पड़े थे। बाद में श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मानवीय आधार पर उनके खिलाफ सभी आरोप हटा दिए। अक्टूबर 2015 में एक और विवाद हुआ था। जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर भाजपा विधायकों ने उन पर हमला किया, सीआईए की थी, क्योंकि उन्होंने सरकारी सर्किट लोन में एक पार्टी आयोजित की थी जिसमें कथित तौर पर बीफ सर्व हुआ था। 2019 में एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उन्हें यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के एक केस में गिरफ्तार किया था। इस केस में प्रतिबंधित लश्कर ए तैयबा के प्रमुख और नमित आतंकवादी हाफिज सईद का भी नाम आरोपी के तौर पर दर्ज है। इस केस में इंजीनियर जेल में बंद है। राशिद ने लोकसभा चुनाव कश्मीर की बारामूला सीट से लड़ा और जीत गए। चलिए अब अमृतपाल सिंह की बात कर लेते हैं। पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट की चर्चा अमृतपाल सिंह की वजह से ही शुरू हुई थी। वो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत असम की जेल में बंद है। अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब दे नाम के संगठन के लीडर हैं, जो खालिस्तान का समर्थन करता है। संगठन से जुड़े लोगों ने 23 फरवरी 2023 को पंजाब के अजनाना में एक पुलिस स्टेशन में धावा बोल दिया था। वो संगठन से जुड़े लोगों पर पुलिस की कार्रवाई से बेहद गुस्से में थे। पुलिस स्टेशन में जबरन घुसने वालों में खुद अमृतपाल शामिल थे। इस घटना के बाद उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था, लेकिन अमृतपाल फरार हो गए। कई दिनों तक पुलिस को नहीं मिले। बीच बीच में उनकी तस्वीरें आई, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई। बाद में एक गुरुद्वारे में उन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया। उन पर एनएसए लगाया गया। तब से ही वो आसाम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। जेल में रहते हुए अमृतपाल ने सांसद बनने का इरादा किया और खडूर साहिब से पर्चा भर दिया और जीत भी हासिल की। अब सवाल यह है कि ये दोनों जेल से कैसे चुनाव लड़ पाए। अमृतपाल सिंह और इंजीनियर राशिद अपने अपने मामलों के आरोपी हैं जो साबित नहीं हुए हैं। नियम कहता है कि आरोप साबित ना हो तो किसी को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 951 के मुताबिक हालांकि जेल में बंद नागरिक वोट नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि आपराधिक दोष साबित होने पर सांसदों और विधायकों को डिस्क्वालीफाई किया जाए। अगर अमृतपाल और राशिद को 2 साल तक की सजा हो जाती है तो उन्हें अपनी संसद सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। अब दूसरा सवाल यह है कि ये दोनों शपथ कैसे लेंगे। अब एक न्यूज एजेंसी ने यही सवाल संविधान एक्सपर्ट और लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य से किया। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बताया कि सांसदों की शपथ लेना विजेताओं का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इसके लिए इन्हें विशेष प्रक्रिया से गुजरना होगा। पहले उन्हें संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी कि उन्हें संसद में शपथ लेने के लिए दिल्ली जाना है। अधिकारी उन्हें इसकी इजाजत देंगे, जिसके बाद ही उन्हें जेल से निकाला जाएगा, दिल्ली ले जाया जाएगा, संसद पहुंचाया जाएगा, जहां वो शपथ लेंगे। आचार्य के मुताबिक इसके बाद उन्हें वापस जेल जाना होगा। पूर्व लोकसभा महासचिव ने आगे संविधान के अनुच्छेद 101(4) का जिक्र किया, जो संसद सदस्यों की अनुपस्थिति को एड्रेस करता है। आचार्य ने बताया कि सांसदों को स्पीकर को बताना होगा कि वो क्यों सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं हो सकते। इसके बाद स्पीकर उनकी रिक्वेस्ट को हाउस कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स को फॉरवर्ड करेगा। कमेटी फैसला लेगी कि उन्हें सदन से अनुपस्थिति रहने की अनुमति होगी या नहीं। उसकी सिफारिश पर स्पीकर सदन में वोटिंग कराएगा, जिसके पास होने के बाद यदि सांसदों को संसद न आने की अनुमति मिल जाएगी। ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।